4.2, डिफाइन द फॉलोइंग। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग से आते होते हैं। डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आपको पेज 86 में मिलेगा। पेज 86 में रिजल्टेंट वेक्टर की हमने हेडिंग डाली थी, बिल्कुल लास्ट में है, बोल्ड हुआ हुआ पेज 86 में। इसमें हमने डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन के साथ हमने एग्जाम्पल करनी है, जो कि हेड टू टेल रूल की है, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। मैं आपको एक दफ़ा शो भी करा देता हूँ। जी ये जी आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हुआ हुआ है हमारे पास पेज नंबर 86 में, रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है और इसके साथ हमने एग्जाम्पल करनी है, जो कि फिगर 4.5 है। क्लास में हमने आपको बताया था कि हेड टू टेल रूल के एंड में ये एग्जाम्पल भी आती है। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिजल्टेंट वेक्टर्स, इसमें हमने डेफिनेशन के साथ 4.5 डायग्राम ड्रॉ करनी है एज एग्जाम्पल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि टॉर्क। तो शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन टॉर्क आए। तो टॉर्क की डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी पेज 90 पे, और प्लस इसके साथ टॉर्क का फार्मूला लिखना है। डेफिनेशन प्लस फार्मूला पेज 90 पे मिलेगा आपको टॉर्क। सेंटर ऑफ मास पेज नंबर 94 पे सेंटर ऑफ मास है, आपने डेफिनेशन करनी है। प्लस व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास, मैं ये आपको शो करा देता हूँ। सेंटर ऑफ मास जो है ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने डेफिनेशन करनी है सेंटर ऑफ मास की। ये हमारे पास डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन 94 पेज पे मिलेगी आपको। और इसके साथ ये एक हेडिंग मैंने आपको लगवाई थी, लिखवाई थी, और ये थी व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास, ये आपने इसके साथ लिखना है। तो डेफिनेशन के साथ व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास ये हमने लिखना है, और इसके साथ 4.17 डायग्राम मैंने आपको मेंशन करवाई थी, ये तो ऑब्वियसली इसके साथ ड्रॉ करनी है। तो अगर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास, तो डेफिनेशन के साथ जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया हुआ है व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास, ये आपने लिखना है और इसकी डायग्राम भी साथ बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटर ऑफ मास के बाद लिखा हुआ है चौथा, वो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी 94 पेज पे, और प्लस एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाई थी, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल पेज 94, और डेफिनेशन के बिल्कुल साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाई थी, वो एग्जाम्पल इसके साथ लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ये तीन शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स में डिफरेंस बताना है। पेज 86 में लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्स मिलेगा, पेज 86, डेफिनेशन प्लस वन एग्जाम्पल ईच, यानी कि दोनों की डेफिनेशन करनी है और दोनों की एक एक एग्जाम्पल देनी है, ये इनके डिफरेंस में आपने लिखना है। तो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स पेज 86 पे मिलेगा, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। उसके बाद है टॉर्क एंड कपल, 90 और 96 पेज पे मिलेंगे ये टॉपिक, टॉर्क एंड कपल, इनमें डिफरेंस बताना है। तो पेज नंबर 90
और 96 में ये दोनों टॉपिक मौजूद हैं। दोनों की आपने डेफिनेशन करनी है और प्लस फार्मूला लिखना है दोनों का। टॉर्क और कपल की डेफिनेशन करनी है। 90 और 96 पेज पे दोनों टॉर्क और कपल मिलेंगे। पेज 1996 मेंशन कर दें और आगे लिख दें डेफिनेशन प्लस फार्मूला। दोनों की डेफिनेशन और दोनों का फार्मूला साथ लिख देंगे, ये हमारे पास टॉर्क और कपल में डिफरेंस में आएगा। जी, जब डिफरेंस लिखते होते हैं तो सेंटर में लाइन लगा के सेपरेटली दोनों की हेडिंग डाल के फिर डिफरेंस लिखते हैं। एक साइड पे नंबर वन पॉइंट पे टॉक की डेफिनेशन लिख देंगे और दूसरी साइड में कपल की डेफिनेशन लिख देंगे। फिर इस तरफ टॉक का फार्मूला लिख देंगे, दूसरी साइड में कपल का फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, और रफ पेज में एक और डिफरेंस है, वो भी आप लिख लें। तीसरा डिफरेंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ, टॉक और कपल में, कपल और टॉक में डिफरेंस तीसरा जो है, पहले टॉक का लिखें। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फोर्स, यानी कि टॉक टर्निंग इफेक्ट जो है वो एक फोर्स से पैदा होता है। और कपल का लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू फोर्सेस। कपल में लाजमी दो फोर्सेस लगती हैं और टॉक टर्निंग इफेक्ट पैदा होने के लिए एक फोर्स लगती है। तो टॉक में लिखा इट इज़ प्रोड्यूस बाय ए सिंगल फोर्स और कपल में लिखा इट इज़ प्रोड्यूस बाय टू फोर्सेस। तो मैंने ओवरऑल क्या बताया, टॉक एंड कपल अगर डिफरेंस आए तो आपने पेज नंबर 90 और 96 से टॉक और कपल की डेफिनेशन करनी है, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आपने दोनों के फार्मूले आमने सामने लिख देने हैं। और तीसरे पॉइंट में आपने ये लिखना है जो अभी मैंने बताया, टॉक के सामने लिखेंगे इट इज़ प्रोड्यूस बाय ए सिंगल फोर्स और कपल के सामने लिखेंगे इट इज़ प्रोड्यूस बाय टू फोर्सेस। उसके बाद है हमारे पास स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस, ये क्वेश्चन है हमारे पास 101 और 102 पेज पे आपको मिलेंगे दोनों टॉपिक, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपने डेफिनेशन करनी है प्लस सेकंड प्रॉपर्टी लिखनी है। डेफिनेशन यहाँ पे पहले मेंशन कर लें, फिर मैं आपको शो भी करा देता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। 101 और 102 पेज लिखें और आगे लिख लें डेफिनेशन प्लस सेकंड प्रॉपर्टी। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, थोड़ी सी बात आपको क्लियर हो कि कैसे लिखना है। तो डिफरेंस था स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमने लिखनी है। उसके बाद फिर हमने न्यूट्रल की डेफिनेशन लिखनी है जो कि ये लिखी हुई है, ये आमने सामने पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा है सेकंड प्रॉपर्टी, दोनों की सेकंड प्रॉपर्टी। जो पहला था हमारे पास जो कि स्टेबल था, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है व्हेन व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल, बल्कि इतना ही हमने किया था, व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज। और जबकि न्यूट्रल में जब हमने सेकंड पॉइंट किया था तो हमने मार्क किया था इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से लेके पोजीशन तक। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन एट द सेम हाइट इरेस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन। इरेस्पेक्टिव भी नहीं, बल्कि हमने हाइट पे ख़त्म कर दिया था यहाँ तक। तो हमने सेकंड पॉइंट जो है ये मार्क किया था और ये सेकंड पॉइंट जो है ये हमने लिखना है। तो स्टेबल का सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी का और न्यूट्रल का सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी का ये आमने सामने हमने लिखना है, जिसमें बताया गया है कि स्टेबल में जब डिस्टर्ब करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज होता है, लेकिन न्यूट्रल में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी हाइट पर रहता है, वो राइज नहीं होता है। तो डिफरेंस जब आएगा स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, दोनों की डेफिनेशन करें और दोनों के सेकंड पॉइंट जो है वो आमने सामने हमने लिख देने हैं। उसके बाद 4.4 है हमारे पास,
इसमें वो कहता है हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल ये लॉन्ग क्वेश्चन हेड टू टेल रूल कंप्लीट करना है 87 पेज पे आपको मिल जाएगा। Page 87 हेड टू टेल रूल कंप्लीट विद एग्जाम्पल। तो 4.4 page 87 हेड टू टेल रूल प्लस एग्जाम्पल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। 4.5 हाउ कैन ए फोर्स बी रिजॉल्व इन टू इट्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स page 88 पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको मिलेगा, ये रजिस्टर में हमने सॉल्व किया था। तो 4.5 जो है वो page 88 पे है, लॉन्ग क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कंप्लीट जितना भी हमने किया था। 4.6 व्हेन इज ए बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है। 4.6 जो है 97 पेज पे डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। 4.6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है प्लस कोई भी एक एग्जाम्पल कर सकते हैं 97 पेज से। 4.7 एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉन्ग क्वेश्चन 97 पेज पे आपको मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 97 पेज से आपने करना है। 4.8 व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ ए बॉडी सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट 98 पेज पे आपको मिलेगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, 98 पेज पे सेकंड कंडीशन कंप्लीट। उसके बाद 4.9 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 4.9 99 पेज पे सेकंड कंडीशन की डेफिनेशन करनी है प्लस मैथमेटिकली, यानी कि उसका फार्मूला लिखना है, समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। 4.9 जो है वो 99 पेज पे है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। 10, 11 और 12 इनको मेंशन कर लें ऑन नोट्स। 10, 11 और 12 वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 4.13 की तरफ आए, वाई द हाइट ऑफ ए व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। इसको भी स्टार लगा के ब्लॉक कर लें ताकि मुझे बाद में याद करा देना कि 4.13 अभी कराना है। 4.14 देख लें आप, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट जो है वो इसका आंसर है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट जो है वो इसका आंसर है।